रवीश कुमार जैसे लफाज पत्रकार आजकल अपनी पूरी एनर्जी सीबीआई के खिलाफ लगाए हुए हैं। वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, देश की सबसे काबिल जांच एजेंसी किस तरह से उनके खिलाफ लग गई हुई है। वो इतने बड़े हो गए हैं कि प्रधानमंत्री ने सीबीआई जैसी एजेंसी उनके खिलाफ छोड़ रखी है। दिलचस्प देखिए, जब से उनके मालिक प्रणय राय के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा है, दरअसल वो केस तो बहुत पुराना है जिसमें वो दूरदर्शन के साथ चोरी का उनके ऊपर आरोप है, दूरदर्शन की पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने चोरी की प्रणय राय ने, सरकार के साथ चोरी का आरोप है और ये तमाम चीजें बहुत पुराना केस है, मगर ईडी इसकी जांच कर रही है और सीबीआई जांच कर रही है। इस लिहाज से परेशानी मालिक की परेशानी उनकी परेशानी हो रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सीबीआई रवीश कुमार जैसे लोगों के खिलाफ छोड़ रखी है। पर दिलचस्प है, बहुत गजब की फरेब करते हैं, बहुत बहुत मक्कारी करते हैं। रवीश देखिए बहुत दिलचस्प ढंग से खुद को बड़ा साबित करने के लिए क्या कहते हैं कि मनीष सोमारी नामक एक आईबी का में काम करने वाला अधिकारी है और कर्मचारी है और वो देखते कहते हैं कि आईबी और सीबीआई को आप सरकार ने मेरे खिलाफ छोड़ रखा है। वो कहते हैं कि एक आदमी है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है मनीष सोमारी और वो मेरे खिलाफ गाली गलौज करता है, दरअसल मोदी ने उसे अपने खिलाफ छोड़ रखा है। और वो बताते हैं कानून के मुताबिक कोई भी आईबी का कर्मचारी आप सार्वजनिक नहीं कर सकता अपना नाम, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है और तय हिसाब से एक पत्रकार को भी इस तरह से सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए यदि वो खुफिया रिपोर्टिंग करता है। उसी तरह से आईबी में भी कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी खुफियागिरी की होती है, वो सार्वजनिक नहीं करते। पूरी आईबी के लोगों के ऊपर ऐसी बंदिशें नहीं है मगर ये भ्रम पैदा करते हैं। दरअसल पूरी एनर्जी रवीश कुमार अपने मालिक के चापलूसी में लगाए